हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय कुफेटेक चैनल। दोस्तों यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, दोस्तों आप लोग अगर चाहते हो एक क्लिक में सारे यहाँ पर फेसबुक के पोस्ट डिलीट हो जाए तो किस तरह से दोस्तों ये डिलीट किया जाता है, चलिए देखते हैं। सिंपल दोस्तों यहाँ पर आपको कॉर्नर पे 3 लाइन यहाँ पर दिखाई देंगे, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आप लोग देखिए सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, तो सिंपल क्या करना है इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन शो हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखना है यहाँ पर एक्टिविटी लॉक का, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा नीचे नीचे की तरफ। यहाँ पर हम लोग आएंगे, ये देखिए यहाँ पर एक्टिविटी लॉक लिखा हुआ है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यूअर पोस्ट का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, तो क्या करेंगे सिंपल यूअर पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फोटोज एंड वीडियोस, तो एक ऑप्शन यहाँ पर है फोटोज एंड वीडियोस, इसके अंदर हम लोग इंटर हो जाएंगे। जैसे ही दोस्तों इस पेज पे आएंगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये मैंने जितने भी पोस्ट किए थे, देखिए मैंने 2 फोटो यहाँ पर पोस्ट किए और जो ऊपर वाला जो 3 दिख रहे हैं मेरे ये वॉलपेपर है जो मैंने यहाँ पर डीपी पे रखी है। तो दोस्तों चलिए मुझे अभी ये डिलीट करना है जितने मैंने पोस्ट किए थे। ये फेसबुक आईडी में दोस्तों ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसलिए यहाँ पर 2 ही पोस्ट है, तो चलिए इसे डिलीट करते हैं एक ही क्लिक में। आपके कुछ ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट होंगे तो क्या करेंगे ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ट्रैश का, तो सिंपल हम लोग ट्रैश के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव टू ट्रैश, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। चलिए पहले मूव टू ट्रैश करेंगे और ये यहाँ से हमारे पिक यहाँ से जितने भी हमने पोस्ट किए थे ये यहाँ से हट चुके हैं। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए एक काम करना है आपको, जो ट्रैश का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है तो चलिए ट्रैश के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ट्रैश के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जो मैंने 2 पोस्ट किया था वो डायरेक्ट यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। अभी दोस्तों ये 30 डेज तक यहाँ पर रहेंगे, अगर आपको ये परमानेंटली डिलीट करना है तो 30 डेज तक आपको वेट करना है। अगर आप लोग अर्जेंटली चाहते हैं परमानेंटली डिलीट अभी करना चाहते तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे एक बार ऑल पे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन 3 डॉट का, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए डिलीट ऑप्शन आ चुका है, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा फेसबुक का, आप लोग को पासवर्ड एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों पासवर्ड नहीं पता है, जैसे कि मुझे अभी पासवर्ड नहीं पता है, मैंने भी बहुत पुराना अकाउंट बनाया था, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप लोग पासवर्ड यहाँ पर निकाल सकते हो। या फिर देखिए एक दूसरी मैं ट्रिक बता देता हूँ, बैक चलता हूँ। बैक चलने के बाद दोस्तों ये अभी तो हमारे ये फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं परमानेंटली, लेकिन हमारे प्रोफाइल पे यहाँ पर फ़ोटो दिखने वाले नहीं है। मतलब इसे 30 डेज तक आपको रखना है, अगर पासवर्ड नहीं पता है तो 30 डेज के बाद में ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बैक चल के मेरे यहाँ पर प्रोफाइल पर ये फ़ोटो यहाँ से हट चुके हैं, सारे फ़ोटो यहाँ पर मेरे डिलीट हो चुके। ये देखिए यहाँ पर 2 फोटो मेरे यहाँ पर सिर्फ यही 2 फोटो दिखाएगा जो कि मेरे डीपी पे लगी हुई है। तो सिंपल दोस्तों बाकी सारे यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। इस तरह से आप लोग एक क्लिक में सारे वीडियोस फोटो जितने भी है फेसबुक से डिलीट कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।